दोस्तों चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO, जिन्हें हिंदी में हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, यह एक सरकारी पद होता है जिसके लिए समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम CMO बनने के बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि CMO को कितना वेतन मिलता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, कौन कौन से काम करने होते हैं, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, उसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आने वाली वैकेंसीज के बारे में आप कैसे और कहां पर पता करेंगे। तो दोस्तों CMO जिला स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं। जिस तरह DM एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसी तरह CMO एक जिले में चिकित्सा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एक जिले के अंदर सभी सरकारी अस्पतालों में कार्य करने वाले सभी डॉक्टर CMO के अंडर कार्य करते हैं। इसलिए सभी डॉक्टर्स के लिए समय समय पर मीटिंग आयोजित करना, उनका मार्गदर्शन करना और समय समय पर सरकारी अस्पतालों का दौरा करना, वहां पर सरकारी डॉक्टर और बाकी स्टाफ के कार्यों की जांच करना, मरीजों को दी जाने वाली सुख सुविधाओं को चेक करना, क्षेत्र में चल रहे मेडिकल्स के लाइसेंस को चेक करना और कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इसके साथ ही क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियों के रोकथाम के उपाय करना, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके उनका हल निकालना आदि इस तरह के बहुत से कार्य होते हैं जो CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर को करने होते हैं। बात करें वेतन की तो CMO ऑफिसर को प्रति माह 60,000 से 70,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है, जो कि साल दर साल बढ़ता रहता है और इसके साथ ही बहुत सी सुख सुविधाएं भी CMO ऑफिसर को मिलती है, जैसे कि सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर और रहने के लिए क्वार्टर दिया जाता है। और दोस्तों CMO बनने के लिए कैंडिडेट का MBBS पास होना जरूरी होता है। तो अगर आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए आपको 12th में कम से कम 50% नंबर लाने होंगे, जिसके बाद कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जैसे NEET, AIIMS, PGIMER, JIPMER, FMGE और AMFC देकर आप MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यह 5.5 साल का कोर्स होता है जिसकी फीस 1 लाख से 10 लाख रुपए प्रति साल होती है, जो कि अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग होती है। तो दोस्तों चीफ मेडिकल ऑफिसर का पद प्रमोशनल पद होता है, यानी कि इसके लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, बल्कि सबसे पहले कैंडिडेट की भर्ती मेडिकल ऑफिसर के रूप में होती है, जिसके कुछ सालों के बाद प्रमोशन होने पर कैंडिडेट चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर जा सकते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का UPSC का CMS एग्जाम देना होता है, जिसके लिए कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें OBC वालों को 3 साल की और SC/ST वालों को 5 साल की छूट भी दी जाती है। और इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जनरल मेडिसिन पेडीडियाट्रिक्स के 250 नंबर के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। और पेपर 2 में सर्जरी, जेनिकोलॉजिक और ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के भी 250 नंबर के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिनका सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप गूगल पर UPSC CMS सिलेबस लिखकर सर्च कर सकते हैं, आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। जिसे पास करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 100 नंबर का होता है। तो इस तरह कोई कैंडिडेट मेडिकल ऑफिसर बनते हैं और फिर उसके बाद प्रमोशन होने पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बनते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इसकी भर्ती के बारे में आप कैसे और कहां पर पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर upsc.gov.in सर्च करना होगा, जिसके बाद आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं पर आपको रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी लेटेस्ट भर्तियां देख सकते हैं और CMS की भर्ती भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप आसानी से अप्लाई भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी
CMO ऑफिसर बनने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।